मोबाइल में, और ये देखिए मोबाइल चार्ज हो रहा है। डाटा केबल ये है जिसके वायर को मैंने छील के दो कनेक्शन करके देखिए टॉर्च के अंदर, तो यहाँ पे दो कनेक्शन आ रहे हैं। देखो मैं आपको इस लाइट को बनाना दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस लाइट को कैसे बना। तो आप भी दोस्तों ऐसे हैग वैग बना के लगा सकते हो जैसे मैंने अपनी साइकिल में लगा रखे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और ये मैंने अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल में एक हेडलाइट लगा रखी है बनाकर, जो कि बना इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। और ये 3 बोल्ट की हेडलाइट होती है जिससे कि हम अपने पावर बैंक से अपनी साइकिल से जला सकते हैं। तो मैंने किस तरह से बनाई है मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोबारा दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने लगा रखी है। तो मेरी साइकिल में एक सिस्टम दे रखा है जिससे कि मोबाइल की बैटरी, तो मेरी साइकिल के अंदर दोस्तों ये देखो ये सॉकेट दे रखा है जहाँ से कि हम अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, और हम अपना आईपॉड वगैरह चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक चार्ज कर सकते हैं, ब्लूटूथ चार्ज कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक लाइट बनाई है, और लाइट बहुत बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइट मैंने कैसे बनाई, किस तरीके से बनाई। तो ये है दोस्तों मेरी हीरो की रेन्यू साइकिल, और जिसके अंदर देखो ये मैंने हेड लाइट लगा रखी है, और जो कि आप देख रहे हो 3 वोल्टेज की है। तो चलो मैं उसको दिखाता हूँ कि ये हेड लाइट मैंने बनाई किस तरह से, और किस तरह से इसकी फिटिंग करी, और किस तरह से जलती है। तो सबसे पहला प्रोसेस है मैं आपको जला के दिखाता हूँ। ये देखो ये एक डाटा केबल वाली लाइट है, ये देखिए ये एक डाटा केबल है, और डाटा केबल यहाँ से ये लाइट जलेगी। तो हीरो रेन्यू साइकिल के अंदर एक सॉकेट दे रखा है जिससे कि आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छी सुविधा देखिए हीरो रेन्यू साइकिल के अंदर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ उसको लाइट को जलाकर कैसे जलेगी। ये देखो दोस्तों ये कि एक सिंपल डाटा केबल है, जब इसको आप छीलोगे इसके तार को छीलोगे तो इसके अंदर 4 तरह की वायर निकलती है डाटा केबल के अंदर। और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर 4 वायर होती हैं, 2 वायर इसके अंदर होती हैं काली और लाल, और 2 वायर होती हैं हरी और सफ़ेद। तो आपको करना क्या है, जो हरी और लाल सफ़ेद रंग की वायर होती है उनको कट कर देना है, और जो रेड और ब्लैक जो वायर होती है उसको आपको ओपन रखना है। तो इसके अंदर से 2 वायर हमने निकाल रखी है, और ये देखो ये सॉकेट दे रखा है जिससे कि हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ अभी, और ये देखिए ये देखिए ये हमने यहाँ पे लगा दिया, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए लाइट जलेगी। ठीक है, कितनी तेज़ रोशनी है, देखो मैं बंद करके दिखा रहा हूँ, और फिर दोबारा वहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, फिर दोबारा देखो हटा के दिखाऊंगा। ये देखिए तो ये जो सॉकेट दे रखा है रेन्यू साइकिल के अंदर, ये दे रखा है जिससे कि आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और ये हेड लाइट मैंने क्यों लगाई, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये लाइट है 3 वोल्टेज की जिससे कि बैटरी नहीं खाएगी और उसका बैकअप ज़्यादा रहेगा। अगर इसको आप 50 घंटे भी जलाओगे तो इससे आपकी बैटरी ही नहीं फूकेगी। तो इस लाइट को बनाना दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस लाइट को कैसे बनाते हैं। ये टॉर्च का एक होल्डर है, तो एक टूटा होल्डर जब आप बाहर निकालोगे, इसके अंदर 2 कनेक्शन होते हैं, एक तो माइनस का होता है एक होता है प्लस का। तो बीच वाला जो कनेक्शन होता है वो प्लस का होता है, और साइड वाला कनेक्शन माइनस का होता है। तो दोनों कनेक्शन में हमने तार लगा रखे हैं, ऊपर से टेप लगा रखी है, ऊपर से क्लिप लगा रखी है। तो ये लाइट जल रही है डायरेक्ट 3 वोल्टेज से, 3 वोल्ट से जलती हुई लाइट ये देखो ये सॉकेट के जरिए जल रही है जिससे कि मोबाइल चार्ज होता है। अब इस सॉकेट से आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ कि होता ही नहीं होता। तो ये देखो दोस्तों ये वही वाला सॉकेट है जिसके अंदर की मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम दे रखा है। तो इससे मैं आपको ये वाला मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ कि होता है या नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो चलो इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने इसके अंदर डाटा केबल लगा ली, और इसकी बैटरी हम चेक करते हैं। देखिए बैटरी इसकी 3 दिन साइकिल चलने के बाद में इसमें शायद 2% बैटरी बची है इसके अंदर। और ये देखिए डाटा केबल आ रही नीचे, और ये आते हुए सीधे मेरे मोबाइल में, और ये देखिए मोबाइल चार्ज हो रहा है 77%। तो अब ज़रा इसका एम्पियर चेक कर लेते हैं भाई कितना एम्पियर दे रही है। ठीक है, तो एम्पियर हम देखते हैं इसका कहाँ से देखेंगे, ये देखो ये आ गया एम्पियर, ये पता लग जाएगा कि भाई कितनी पावर दे रही है। तो ये बैटरी 77% है। ठीक है, ये देखो भाई ये 840 mAh दे रही है जो कि अच्छी खासी है। तो ये एम्पियर होता है चेक करने का, अगर आपकी डाटा केबल ख़राब है या आपका चार्जर ख़राब है तो उसे पता लग जाता है। तो भाई अगर करंट अगर कम आता है ना, तो इसमें ज़्यादा आधा जो मैक्सिमम जो एम्पियर आता है वो आता है 220 या 150। तो ये देखो 900 एम्पियर में ये चार्ज कर रहा है फ़ोन को। ये देखो 1% बैटरी बढ़ गई, और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 5:01 हो रहे हैं, तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, देखते कितने परसेंट बैटरी चार्ज होती है इसकी। तो टाइम हो रहा है 5:01, और अभी 78% बैटरी चार्ज है। तो चलो थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको
कि बैटरी कितनी चार्ज हुई, कितनी स्पीड से बैटरी चार्ज कर रहा है। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 5:06 हो चुकी है और ये देखिए हमारी बैटरी ये 78% की है, 3% बैटरी चार्ज हो चुकी है इस मोबाइल से। तो वही इसकी मैक्सिमम जो चार्जिंग की स्पीड है वो 950 ही आ रही है, ये देखिए, और मिनिमम 840 आ रही है, जो कि बहुत अच्छा एम्पियर है बैटरी चार्ज करने के लिए। यानी कि एक मोबाइल से अच्छा बैकअप दे रहा है, इसमें मोबाइल बहुत जल्दी चार्ज होगा। और ये देखिए ये सॉकेट यहाँ पे दे रखा है, और ये बहुत अच्छा जुगाड़ है दोस्तों मोबाइल चार्ज करने के लिए, और कहीं भी इससे आप चलते हुए मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अपना। ये देखिए ये ठीक इसके बराबर में दे रखा है, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये तो देखो इसका बैटरी को चार्ज करने वाला पॉइंट है, और ठीक इसके बराबर में दे रखा है, ये देखिए इससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना ब्लूटूथ चार्ज कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगा सकते हैं, इससे आप अपना पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हैं। और अब ये एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी बैटरी है, देखिए इतनी बड़ी बैटरी जब इतनी हैवी मोटर को चला सकती है, 48 वोल्ट की मोटर है, देखिए देखिए जब इतनी हैवी मोटर को चला सकती है, तो एक मोबाइल चार्ज करना इसलिए कौन सी बड़ी बात है। तो इससे आप चाहो तो 100 बार भी मोबाइल चार्ज कर सकते हो, उसकी बैटरी डाउन नहीं होगी। ये देखिए छोटी सी बैटरी होती है इसके अंदर। अभी जो हमारा मोबाइल है वो 81% चार्ज हो चुका था। इसी सॉकेट से दोस्तों मैंने अपनी लाइट का जुगाड़ बनाया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने एक डाटा केबल लिया है, जिसके वायर को मैंने छील के 2 कनेक्शन करके देखिए टॉर्च के अंदर फिट कर दिया है, जो कि एक सेल वाली टॉर्च होती है। तो यहाँ पे 2 कनेक्शन आ रहे हैं, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पास से ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक लाल एक काला, 2 तार है इसके अंदर, जो 2 तार, एक तो माइनस वाला यहाँ पर है, काला वाला यहाँ पर है, और लाल वाला तार यहाँ पर है। तो ये प्लस होता है, ये वाला साइड वाला माइनस होता है, ठीक है। तो इसी से मैंने लाइट बना रखी है, और इस लाइट का जो कनेक्शन है वो देखो यहाँ पे कर रखा है, ये देखिए इस यूएसबी से कर रखा है। और इससे लाइट मैं आपको क्या बताऊँ, आप 100 घंटे चलाओ, चाहे इसको 200 घंटे चलाओ या 300 घंटे चलाओ, ये जलती रहेगी। और इसे बैटरी के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लाइट है 3 वोल्ट की, जिससे कि हमारा मोबाइल चार्ज होता है। और ये लाइट 12 वोल्ट की नहीं है, 12 वोल्ट की लाइट थी वो ना हटा दी, क्योंकि इसकी बैटरी पर फ़र्क पड़ता। तो ये देखिए रोशनी देखिए कितनी तेज़ है, ये देखिए काफ़ी तेज़ रोशनी है इसकी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने साइकिल में लाइट फिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा रखी है। तब इसकी पावर मैंने ऑफ कर रखी है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से पावर इसकी ऑफ हो जाएगी। और एक लाइट दोस्तों मैंने और लगा रखी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 3 वोल्ट की लाइट लगा रखी है, अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वायर यहाँ से आ रही है, और ये बैक लाइट होती है, ये बैक लाइट की वायर है, और यहाँ पर एक छोटी सी लाइट लगी होती है 3 वोल्टेज की, लेकिन देखिए मैंने कितनी तेज़ वाली लाइट लगा रखी है रेड कलर की। तो मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए लाइट ये जल गई, ये देखो ज़रा ध्यान से कितनी तेज लाइट है, ये देखिए ये देखिए, तो ये देखिए गोल लाइट है, ये देखिए। और इसके अंदर 2 तरह की लाइट थी, एक तो ब्लू, एक एक लाइट थी रेड। तो हमने ब्लू वाली लाइट हटा रखी है, रेड वाली लगा रखी है, ये देखिए। तो पीछे के लिए हमने ये वाला कनेक्शन दे रखा है, जिससे कि बैटरी पर लोड नहीं पड़ेगा, और ये लाइट है 3 वोल्ट की। और आगे वाले के लिए भी हमने 3 वोल्ट की लाइट लगा रखी है, जो कि यूएसबी से कनेक्ट है, और देखिए रोशनी उसकी अच्छी खासी है इसकी दूर तक। तो ये साइकिल दोस्तों अभी मैंने 10 दिन पहले ही ली थी, ब्रांड न्यू बिल्कुल। तो ये मैंने इसके अंदर लाइट की फिटिंग करी थी, मैंने आपको दिखाया किस तरीके से इसके अंदर सिस्टम दे रखा है। तो इसके अंदर दोस्तों बहुत अच्छा फीचर दे रखा है, जिससे कि आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, और आप इससे अपना पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हो, और बहुत सारे काम कर सकते हो इससे। आप गैस छोटा सा फ़ैन भी चला सकते हो, घर में एक लाइट भी लगा सकते हो इसे, जो आपने बाज़ारों में देखा होगा लाइट आती है जलने वाली, बहुत सारी चीज़ों में लग जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मान लो आपके घर की लाइट चली जाए, इसे आप अपना मोबाइल चार्ज कर लो, ठीक है, एक छोटी सी लाइट बना के ऐसे लाइट भी जला सकते हो। ये देखिए तो ये लाइट डायरेक्ट इससे जल रही है, और पीछे वाली बैक लाइट वो भी 3 वोल्ट की है, वो भी इस कनेक्शन से जल रही है। तो ये थी मेरी दोस्तों
कि ये साइकिल का आगे हेडलाइट कैसे लगाएं। अब मैं आपको सेकंड पार्ट में इसकी लाइट बना के दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मैंने कनेक्शन किस तरह से करे थे, ठीक है, और डार्ट केबल से हम लाइट कैसे बना सकते हैं, मैं अपने सेकंड पार्ट में आपको ये दिखाऊंगा। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और इस साइकिल को दोस्तों मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे 10 दिन होंगे यूज़ करते, बहुत बेहतरीन साइकिल है ये, एक ऐसी साइकिल है जो आपके 100 रुपये रोज़ बचाएगी। हालांकि इसकी कॉस्ट थोड़ी सी महंगी है और ये सबसे महंगी साइकिल है, और अभी थोड़ा इसका प्राइस कम हो गया, जब ये निकली थी तो 90,000 के आसपास थी, लेकिन साइकिल बहुत बढ़िया, चलने में बहुत एंटिक साइकिल है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह की लाइट आप कैसे बना सकते हो, डाटा केबल का कनेक्शन किस तरह से होते हैं। और ये दोस्तों बहुत अच्छा जुगाड़ दे रखा है इसके अंदर, और बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा कनेक्शन आए हमारी साइकिल में अलग से लगवाने के सोचते हैं, लेकिन आता नहीं है, और ये साइकिल में स्पेशल कंपनी ने दे रखा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए, इसे आराम से आपका मोबाइल 45 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा, आपका हैवी से हैवी मोबाइल भी इसके अंदर चार्ज हो जाएगा, तो ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। चलो रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा केबल से टॉर्च कैसे बनाते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों।